स्वेलो उस तरीके से आप सब कहेंगे अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में पोको M3 प्रो में कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है और कैमरा में क्या क्या फीचर्स आपको देखेंगे। और दोस्तों मेरा थोड़ा हिंदी खराब है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा लो होगा, आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में पोको M3 Pro 5G ये दोस्तों कुल ब्लू कलर में मेरे पास अवेलेबल है और ये 4GB 64GB वाला वेरियंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाएंगे इस फोन का सेटिंग में, तो चलिए यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाएंगे अबाउट फोन पर, यहाँ से जाएंगे ऑल स्पेक पर। यहाँ पर फोन का सारा डिटेल्स आपको देखने में मिल जाएगा, 4GB RAM 64GB स्टोरेज सारा कुछ यहाँ पे फुल डिटेल्स सेट का आपको देखने में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों जाएंगे इस फोन का कैमरा पर, तो चलिए यहाँ से बैक करके कैमरा पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कैमरा पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने में मिल जाएगा, आपको एक एक करके दिखा दो क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे है प्रो मोड, उसके बाद वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, उसके बाद है मोड। मोड में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नाइट मोड, उसके बाद है पोर्ट्रेट मेमोरियल, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम स्लैप, AI वाटरमार्क और एडिट। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब ऐसे फोटो में जाएंगे, ऊपर में क्या है आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा है फ्लैश, यहाँ पे दोस्तों फ्लैश में अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो फ्लैश को। देखिए आपको दिखाता हूँ एक बार, इस तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो फ्लैश को। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा HDR, HDR को दोस्तों अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, HDR ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे है AI कैमरा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके AI कैमरा को इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे टैप करके AI कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा फिल्टर्स, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे बहुत सारा फिल्टर्स आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा अच्छा फिल्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे फिल्टर्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फिल्टर्स को अपने हिसाब से चूज करके पिक्चर क्लिक कर पाओगे। उसके नीचे यहाँ पे मिल जाएगा ब्यूटी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे तो अपने हिसाब से ब्यूटी लेवल को कस्टमाइज कर सकते हो इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे गूगल लेंस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए गूगल लेंस कैमरा ओपन हो चुका है, यहाँ पे ओपन कैमरा में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अलाउ में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी कैमरा में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे है ट्रांसलेट, टेक्स्ट, सर्च, होमवर्क और यहाँ पे शॉपिंग देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा साइज, यहाँ पे जैसे कैमरा साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे 1:1, 3:4, 9:16 यहाँ पे फुल रख सकते हो। और उसके नीचे मिल जाएगा कैमरा टाइमर, 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड यहाँ पे टाइमर लगा सकते हो यहाँ से। उसके नीचे यहाँ पे मिलेगा सेटिंग, मूवी फ्रेम, शो गाइडलाइन, माइक्रो, स्टिल शिफ्ट, प्रो कलर और टाइम ब्लास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए कैमरा सेटिंग में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर है वाटरमार्क, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एट टाइम इंस्टामन फोटोज, उसके बाद है डिवाइस वाटरमार्क। यहाँ पे एट टाइम इंस्टामन फोटो ऑन करोगे तो आप जब भी पिक्चर कैप्चर करो उस टाइम का एट टाइम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है डिवाइस वाटरमार्क, ये दोस्तों ऑप्शन ऑन करोगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे, तो चलिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, मेरा चैनल का नाम दे देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे विथ एक्स्ट्रा देख लेता हूँ, विथ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव हो चुका है। आप दोस्तों ये किस तरह से काम करता है आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर क्लिक करके। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर क्लिक करता हूँ एक, तो चलिए यहाँ पे कैमरा ओपन करता हूँ, एक पिक्चर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक हो चुका है, अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो नीचे देखिए यहाँ पे वाटरमार्क हो चुका है, यहाँ पे देखिए विथ एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, और साइड में टाइम वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे टाइम वाटरमार्क यहाँ पे आ गया है, इस तरह से तो वाटरमार्क काम करता है, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो चलो ऐसे बैक करता हूँ, फिर से जाएंगे सेटिंग पर। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है पिक्चर क्वालिटी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हाई, स्टैंडर्ड, लो। यहाँ पे जिस क्वालिटी का आपको पिक्चर क्वालिटी चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ से नीचे जाता हूँ, नीचे है तो यहाँ पे है वॉल्यूम बटन फैक्शन, यहाँ पे तो वॉल्यूम डाउन की भी आप जो भी सिलेक्ट करके रखोगे वो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे शटर, शटर काउंट डाउन, जूम और वॉल्यूम, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे वॉल्यूम डाउन की में वो यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। उसके नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऊपर है रिकॉर्ड वीडियो, ब्लास्ट शॉट और फोकस, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की मदद से ये कस्टमाइज कर सकते हो आप। उसके नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज, सेव लोकेशन इन्फो, शटर साउंड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके नीचे बहुत सारे आपको फीचर्स कैमरा रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों कैमरा के बारे में बात करता हूँ, इस फोन का कैमरा के बारे में बात करूँ तो पीछे को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेन कैमरा का बात करूँ तो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल, इसका अपर्चर 1.8। यहाँ पे सेकंड कैमरा का बात करूँ तो सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल,
इसका बजट f2.4 ये दोस्तों माइक्रो कैमरा है। और थर्ड कैमरा का बात करो तो थर्ड कैमरा यहाँ पे है 2 MP, इसके यहाँ पर f2.4 ये दोस्तों डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा का बात करो तो फ्रंट कैमरा आपको 8 MP देखने को मिल जाएगा, इसके यहाँ पर f2.0। अब दोस्तों इस फोन से पिक्चर कैप्चर कर दिखाएंगे आपको, देखते हैं इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैमरा को ओपन करता हूँ, कैमरा में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों पहले एडिटर ऑफ करके एक पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पे देखिए एडिटर ऑफ है। अब दोस्तों फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ, तो यहाँ पे पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, चलिए तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा, क्लैरिटी काफ़ी अच्छा, डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इस पिक्चर को जूम करके दिखाते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जूम करने से काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पर, यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पर। यहाँ पे साइज का बात करो तो 2.56 MB ले रहा है, बहुत ही कम यहाँ पे साइज ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों आपको एडिटर ऑन करके पिक्चर कैप्चर करके दिखाऊंगा, तो चलो यहाँ पे एडिटर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिटर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एडिटर ऑन हो चुका है। आप दोस्तों फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ, चलिए तो यहाँ पर पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो इस पिक्चर का क्वालिटी का बात को तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिटेलिंग का बात को तो डिटेलिंग भी ठीक ठाक यहाँ पे आ रहा है। तो अब इस पिक्चर को आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है, तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे जूम करने से काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पर। यहाँ पे साइज का बात करो तो 2.52 MB ले रहा है, काफ़ी कम यहाँ पे साइज ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड से पिक्चर कैप्चर कर दिखाऊंगा, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ब्लर लेवल को कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। तो चलिए यहाँ से फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ, तो चलिए यहाँ पे फोकस कर लेता हूँ, पहले फोकस किया अब पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो देखिए इस पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको कैसे लगा इस फोन का पोर्ट्रेट मोड आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। तो चलिए इस पिक्चर को जूम करता हूँ, तो यहाँ पर वैसे जूम करने से काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे है डिटेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पर, यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पर। यहाँ पे साइज का बात करो तो साइज है 3.33 MB, यहाँ पे बहुत ही छोटा साइज यहाँ पे ले रहा है। अब दोस्तों आप सबको 48 MP से पिक्चर कैप्चर कर दिखाऊंगा, तो चलिए यहाँ पे 48 MP सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन हो चुका 48 MP, तो चलिए यहाँ पे फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ। यहाँ पे फोकस किया एक आ गया, तो चलिए यहाँ पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो देखिए इस पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेलिंग का बात को तो बहुत ही अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी लेकर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस पिक्चर को जूम करता हूँ, देखता हूँ उसका क्वालिटी कैसा है, तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पर वैसे जूम करने से काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए कितना अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये फोटो से 48 MP लिया हो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पर, यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस फोटो का साइज का बात करो तो साइज है 13.48 MB, काफ़ी बड़ा यहाँ पे साइज ले रहा है। तो चलिए इसे बैक करता हूँ। आप दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा से पिक्चर कैप्चर कर दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं इस फोन का फ्रंट कैमरा का क्वालिटी कैसा है। तो चलिए यहाँ से बैक कर रहे हैं, फ्रंट कैमरा को ओपन करता हूँ। तो चलिए कैमरा को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। अब फ्रंट कैमरा को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। पहले दोस्तों एचडीआर ऑफ करके एक पिक्चर कैप्चर कर दिखाऊंगा पहले, तो देखिए यहाँ पे एचडीआर ऑफ है अभी। तो चलिए यहाँ पे फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ, तो यहाँ पे फोकस कर लिया पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर कैप्चर हो चुका है, अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, तो देखिए इस पिक्चर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे है। डिटेलिंग का बात को तो काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस पिक्चर को जूम करके दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है, तो चलिए यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे जूम करने से काफ़ी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ, तो यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पर, थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पर। यहाँ पे साइज का बात करो तो साइज बहुत ही कम यहाँ पे आ रहा है, 2.6 MB यहाँ पे ले रहा है, बहुत ही कम यहाँ पे ले रहा है। तो चलिए यहाँ से बैक करता हूँ। आप दोस्तों आपको एचडीआर ऑन करके पिक्चर कैप्चर कर दिखाऊंगा, तो चलो यहाँ पे एचडीआर ऑन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए एचडीआर ऑन हो चुका है, अब यहाँ पे फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ तो इस पिक्चर का क्वालिटी का बात करो तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिटेलिंग का बात करो तो डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसे एजर ऑन करके फोन कैमरा से पिक्चर कैप्चर करोगे तो बहुत ही अच्छा पिक्चर यहाँ पे क्लिक करके आएगा। तो अब इस पिक्चर को जूम करके दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ। यहाँ पर इसे जूम करने से काफ़ी अच्छा आपको डिटेलिंग काफ़ी अच्छा क्लैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कितना अच्छा क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जाएंगे थ्री डॉट पर, यहाँ से आएंगे डिटेल्स पे। इस फोटो का साइज का बात करो तो साइज है 3.33 MB, बहुत ही कम यहाँ पे साइज ले रहा है। तो चलो यहाँ से बैक करता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से फोन कैमरा से पोर्ट्रेट मोड पे पिक्चर कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों ब्लर लेवल को कस्टमाइज कर सकते हो इस तरह से। तो चलो यहाँ पे फोकस करके पिक्चर कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर कैप्चर हो चुका है। अब इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। इस पिक्चर का क्वालिटी का बात करो तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वालिटी लेकर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ब्लर का बात करो तो ब्लर एकदम ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है, बहुत ही बेकार यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप सबको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब इस पिक्चर को जूम करके दिखाता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो चलिए जूम करता हूँ। यहाँ पे जूम करने से काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ब्लर का बात करो तो ब्लर एकदम यहाँ पे सर के ऊपर आ गया है, देखिए बिल्कुल भी बेकार यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो चलिए ऐसे बैक करता हूँ। अब दोस्तों आउटडोर में और भी पिक्चर कैप्चर करी हूँ वो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा इस फोन का पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों इस फोन से आपको जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे कैमरा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है। पहले दोस्तों फोटो में जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2x जूम हो चुका है। तो चलो यहाँ पे फिर से करता हूँ। यहाँ पे 3.6 जूम हो चुका है, 5.1x जूम हो चुका है यहाँ पे, फिर से करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए 10x जूम हो चुका है। और दोस्तों इस फोन से आप 10x से ज़्यादा जूम नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे जूम आउट करता हूँ धीरे धीरे, यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए जूम आउट हो चुका है। अब दोस्तों आपको वीडियो में जूम टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे जूम करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर भी दोस्तों 10x से ज़्यादा वीडियो में जूम नहीं कर पाओगे। तो चलिए यहाँ से जूम आउट करता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए जूम आउट हो चुका है। अब दोस्तों इस फोन से आपको वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ, इस फोन का वीडियो क्वालिटी कैसा है आपको दिखाता हूँ। चलिए तो ये वीडियो दोस्तों शूट हो रहा है 720p से 30fps पे। तो देखिए इसका क्वालिटी। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी माइक नहीं यूज़ कर रहे हो तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी बात करो यहाँ पे ठीक ठाक ही वीडियो क्वालिटी आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, यहाँ पे एवरेज वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आ रहा है। आप सबको कैसे लग रहा है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। तो ये वीडियो दोस्तों शूट हो रहा है 1080p से 30fps पे। तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सबका कैसे लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। और यहाँ पर दोस्तों कोई माइक नहीं यूज़ करो तो देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर आ रहा है। और ये वीडियो दोस्तों फ्रंट कैमरा से 720p से 30fps पे शूट हो रहा है। तो देखिए इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रंट कैमरा से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसे लग रहा है फ्रंट कैमरा आप नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। तो देखिए इसका क्वालिटी।
अब दोस्तों इस फोन का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी का बात करो तो मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर ओवरऑल बात करो तो ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी, यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, आपको निराश नहीं करेगा एक कैमरा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और दोस्तों पोको M3 Pro रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।